इलेक्शन इंचार्ज जी किशन रेड्डी से खास बातचीत भी की। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी साहब हमारे साथ हैं। सर, अमित शाह आ रहे हैं, तैयारियां आप उसका जायजा भी लेने के लिए आए हैं। बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हमें उलझी हुई नजर आ रही है, बल्कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो तक अभी रिलीज नहीं किया है। किस तरह की इस समय आप समीकरण देख रहे हैं और अमित शाह की आगमन की तैयारी किस तरह से हो रही है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इलेक्शन दृष्टिकोण से जम्मू कश्मीर को हम नहीं देखते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जनता के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ एक मन से हम एक अनुबंधन है, बंधन भी है। इसलिए आदरणीय गृह मंत्री कल आएंगे, कल हमारा एक संकल्प पत्र का घोषणा होगा। दूसरा दिन इसी स्थान पर आदरणीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के प्रमुख कार्यकर्ता, गांव के पोलिंग बूथ अध्यक्ष और उनके अलावा जो प्रमुख कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे। ये आने वाले एक महीने सभी कार्यकर्ता पूर्ण समय देकर जनता के बीच में जाकर जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है उसके लिए जनता का समर्थन, आशीर्वाद मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाए और एक संकल्प लेकर, विजय संकल्प लेकर गांव जाए, इसका मार्गदर्शन कल परसों दो दिन कटूर में आदरणीय अमित शाह जी जनता, जम्मू कश्मीर जनता को अनुरोध करेंगे, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मैनिफेस्टो भी बीजेपी का आने वाला है, बड़ी लोगों की निगाहें हैं कि बीजेपी ने जो पहले 10 साल काम किया है, आने वाले 5 साल जो है किस तरह के रहेंगे और जम्मू कश्मीर को किस तरह का आगे फ्यूचर जो है बीजेपी देने वाली है, आपको क्या लगता है कौन से की फैक्टर हैं जो इस मैनिफेस्टो में रहने वाले और यहां के लोगों को जो अट्रैक्ट करेंगे? जो इस जम्मू कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा परिवार राज देते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए जम्मू कश्मीर लूटने वाला जो भी वादा करते होंगे, मगर हम 10 साल में जो किया है जम्मू कश्मीर में, जो एजुकेशन के विषय पर भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पर भी हो, लोकल बॉडीज़ के विषय पर भी हो, स्वास्थ्य के विषय पर भी हो, रोडों के विषय पर भी हो, गाँवों को विकास के विषय पर भी हो, हर एंगल पर जो काम करके हम बताएं उसको और जोर देने के लिए और गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को जो हम संकल्प पत्र के द्वारा घोषणा करने वाले हैं आदरणीय अमित शाह जी कल शाम को 4 बजे जम्मू से पूरे जम्मू कश्मीर जनता को एक संकल्प पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर जनता को अनुरोध करने वाले आशीर्वाद के लिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की एक वीडियो जो है कल से बड़ी सर्कुलेशन में है, आपने भी देखी होगी, जहां वो टोपी उतार के वोटों की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं मुझे जिता लीजिए, मैं आपकी अपनी इज्जत आपके हाथों में रख रहा हूं। कितनी बड़ी बात है और वो दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि गांधरबल से उनको अपनी हार दिख रही थी इसीलिए वो दूसरी जगह में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मैं फारूक परिवार से पूछ रहा हूँ, इतने साल आप जम्मू कश्मीर को में राज किया है, आपका परिवार, आपके दादा परदादा पूरा राज किया है, लूटा है क्या इतने साल और लूटना चाहते हैं क्या? क्या क्या है, काहे को वोट मांग रहे आप? क्या जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया आप लोग? जम्मू कश्मीर में पूरा आप इधर लूट कर विदेशों में पूरे पैसे डिपॉजिट करते हुए जम्मू कश्मीर जनता को लूटा है, इसलिए उनको कोई अधिकार नहीं है फिर वोट मांगने का। सर, बीजेपी 66+ का इस समय एक पूरा एक दायरा लेके चल रही है, आपको लगता है बीजेपी जो है अपने दमखम पे यहाँ पे अपना मुख्यमंत्री जो पहली दफा जम्मू कश्मीर में देगी? हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर फिर भ्रष्टाचार राज ना आए, हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में परिवारवाद राज ना आए, जम्मू कश्मीर में विकास के आधार पर चलने वाले सरकार आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के संयोग से, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही इस जम्मू कश्मीर विकास हो सकता है, उसके लिए हमारा प्रयास है। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ जी किशन रेड्डी साहब जो है वो यहाँ पर बात कर रहे थे और जिस तरह से अमित शाह की रैली होनी है परसों और उसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही हैं और बाकायदा यहाँ पर पिछली दफे अमित शाह आए थे, कल मैनिफेस्टो पार्टी का रिलीज हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर वो है।